फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपसा मॉन्ट्यूब। मैं दिव्या आ गई हूँ लेकर आज की रेसिपी। सो बहुत दिनों के बाद मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि व्यू नहीं आती है तो इसकी वजह से मुझे बनाने का भी मन नहीं करता है। क्या बताओ, बहुत अभी भी दो तीन वीडियो है मेरे पास, कुछ ठंडी का वीडियो मैंने बनाया था बट उसे डालने का मन ही नहीं करता है, व्यू ही नहीं आता है ढंग से। खैर, चलिए आज बनाते हैं अंडा की कढ़ी। ठीक है, तो कैसे मैं अंडा बनाऊंगी वो आपको दिखाती हूँ। आज अंडा जो है आलू डाल के बनाते हैं हम लोग, बंगाली स्टाइल में कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा मसाला में, मतलब थोड़ा कम मसाले में डालकर मैं बनाऊंगी आज, तो वही मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। और जो सब मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा ले, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, थैंक यू। तो ये है कुछ जो है अंडा, 6-7। ठीक है, तो इसे मैंने उबाल लिया है अभी, तो इसे मैंने थोड़ा सा नमक डालकर उबाला था, 5-7 मिनट मैंने उबाला। तो ये देखिए फट के रेडी हो गया, मतलब कि ये उबल गया है अच्छे से। और ये है आलू, इसे अभी मैं कट करूंगी लंबे लंबे शेप में। ये प्याज है, 2 प्याज है, मैंने लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है। अभी 1 प्याज और छिला हुआ है, इसे भी कट करूंगी। और इसके साथ ही मैंने ले लिया है 1.5 टमाटर और ये है धनिया पत्ता। थोड़ा सा मसाला पीसना है, वो मसाला मैं आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल मैं अंडे को छील लेती हूँ और आलू को कट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखा। तो इसके साथ ही मैंने अंडे को जो है छील लिया है और एक उबला हुआ अंडा वंश जो है खा लिया है अभी फिलहाल। और इसमें डाल दिया है मैंने आलू। और अब मैं इसे कढ़ाई में जो है हो गया है गरम, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। और अंडे में मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, अब डाल दे रही हूँ थोड़ा सा हल्दी। और इसे छेद कर फिर डालेंगे तेल में। सो तेल में देखिए कितने अच्छे से पूरा धुआं छोड़ने लगा है। तो मैं अंडे को जो है पूरा नमक हल्दी मिलाकर इसमें छेद कर दी हूँ इससे। ठीक है, तो अब इसमें अंडे को डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं अंडा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ इस बाटी में। तो इसी तेल में मैं अब आलू को डाल देती हूँ। सो मसाले में मैंने ले लिया है इतना सा अदरक, ये 1 गांठ लहसुन, 1 प्याज और इतना सारा जीरा। गरम मसाला का पाउडर मेरे पास किया हुआ है, घर का ही मैंने बनाया था। तो इन सारी चीजों को पहले पीस लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। फिलहाल इधर हो गया है तेल गरम, मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू को मैंने ऐसे लंबे लंबे शेप में कट किया है, ये मैंने डाल दिया ये सारा आलू। तो मैं ये सारा मसाला पीस कर ले आई हूँ, तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, और ये काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और ये 1/2 चम्मच। ठीक है, और ये सारे चीजों को थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेते हैं। तो आलू फ्राई हो गया है, तो मैं आलू को निकाल लेती हूँ और मसाला फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं आलू को निकाल के अंडा के ऊपर ही रख देती हूँ। सो तेल बहुत अच्छे से गर्म है, तो मैं इसमें फोरन में डाल रही हूँ 2 तेजपात और थोड़ा सा जीरा से डाल दे रही हूँ। और जो ये मैंने लंबे लंबे शेप में प्याज कर कट कट करके रखा है ना, उसे भी डाल देती हूँ तेल में, ये देखिए। और इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। प्याज अच्छे से हो गया है फ्राई, ये देख सकते हैं आप, एकदम पूरा ब्राउन मैंने प्याज फ्राई कर लिया है। और मसाला का घोल मैंने तो पहले ही घोल लिया था, तो अब इसे डाल देती हूँ और इसे फ्राई करते हैं अब। तो ये देख लीजिए मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो मैं इसमें ही अभी ही आलू डाल दूंगी, ताकि इसके साथ ही आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाए और मसाला भी तब तक में फ्राई हो जाए। मसाला और आलू अच्छे से हो गया है फ्राई, अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ, मैं चीनी डालना भूल गई थी। और इसके साथ बाद में डालेंगे अंडा, उससे पहले अभी फिलहाल डाल देते हैं टमाटर। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चीनी और अब इसे चला देते हैं अच्छे से। देखिए आलू सीज गया है, क्या कैसा है आलू, लगभग सीज ही गया है। तब मैं इसमें डाल देती हूँ अंडा को भी और इसे चला देते हैं। एक बार ढक देते हैं इसे। तो ये अच्छे से हो गया है फ्राई, देख सकते हैं आप। तो मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, ताकि ये खोल जाएगा, तो फिर मैं इसमें धनिया पत्ती को डालूंगी।
डाल दिया है पानी और इसे खोलने के लिए दे देते हैं और इसके साथ ही इसे ढक देते हैं ताकि फल भी जाएगा और सीज भी जाएगा थोड़ा सा जो आलू बचा हुआ है सीजने के लिए। ये देख लीजिए कितने अच्छे से खोल आ गया है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती और जो है पहले बंस के लिए निकाल लेंगे, फिर डालेंगे इसमें मिर्ची। देखती हूँ मिर्ची का पाउडर मेरा ये डाल दिया मैंने, अब मैं वंश के लिए निकाल लेती हूँ। सो फाइनली खोल गया है ये अच्छे से, तो मैं वंश के लिए निकाल लेती हूँ और आपको सर्व करके दिखा देते हैं। सो ये निकाला मैंने पहले आलू और ग्रेवी, ठीक है, सॉरी टमाटर भी निकला है उसके साथ एक, और इसके साथ ही मैं और आलू और अंडा को भी निकाल देती हूँ ये देखिए, और थोड़ा सा ग्रेवी निकाल देंगे। सो फाइनली लुक ये है। सो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर, सॉरी रेसिपी को यहीं पर एंड करते हैं और मेरा खाना वगैरह हो गया है कंप्लीट, तो मैं अभी सारे लोगों को खाने के लिए दे देती हूँ। सो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो जल्दी मिलेंगे अगले रेसिपी या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।